हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। इस वीडियो को शूट करते वक्त एक ही सॉन्ग है जो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है, वो है दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। क्या वाकई में ही आपको अपने दिल का आलम या हाल पता है? और अगर आपके दिल का आलम ठीक रहेगा तो ही आप इस दुनिया में प्यार बांट सकते हैं। जोक्स अपार्ट, पर आपको एक शॉकिंग फैक्ट नहीं पता होगा कि इंडिया में हर चौथी मौत में से एक मौत का कारण होती है दिल की बीमारी, यानी कि कोरोनरी वास्कुलर डिजीज। और इसका एक सिंपल सा कारण है आजकल का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जंक फूड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना, ऑयली खाना खाना, नो एक्सरसाइज, नो वर्कआउट, ओनली स्ट्रेस। और ऊपर से इस कोरोना नाम की बीमारी ने हमें मेंटली और फिजिकली बिल्कुल वीक कर दिया है और हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप एक पान के पत्ते को उचित रूप में और सही मात्रा में आयुर्वेद अनुसार इसको यूज करेंगे तो आपको दिल की बीमारियों से तो ये छुटकारा दिलाने में हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ अन्य बीमारियां जैसे क्रॉनिक कफ, अस्थमा, डायबिटीज, टूथ और गम की बीमारियां यानी कि मसूड़ों की और दांतों की बीमारियां और हाई कोलेस्ट्रॉल, इनको भी आपके शरीर से दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट्स जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में पान के पत्ते का यूज पूजा पाठ और खाने के बाद या खाने से पहले अक्सर लोग इसको यूज करते हैं। और ये बात भी सब जानते हैं कि पान के पत्ते का शेप दिल के शेप का होता है और आयुर्वेद में भी इसको हृदय बोला है, यानी कि बेस्ट कार्डियक टॉनिक में से एक पान के पत्ते को बोला गया है। आयुर्वेद में इसको बेस्ट कार्डियक टॉनिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वीर्य में उष्ण होता है। उष्णता की वजह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखता है और हमारी डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये कफ दोष को नेचुरली कम करता है और हमारे शरीर में से मेद धातु को भी कम करता है, यानी कि जो फैट होता है उसको भी ये नेचुरली कम करता है। कटु तिक्त होने की वजह से ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसमें क्षारीय गुण होता है यानी कि एल्कलाइन इन नेचर होता है ये, तो इस कारण से ये हमारे शरीर में यानी कि हमारे दिल की जो आर्टरी होती हैं उसमें ब्लॉकेज नहीं होने देता है। और अगर ब्लॉकेज हो भी गया है तो उनको भी डिसॉल्व करने में, हटाने में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पान के पत्ते पे रिसर्च भी हुई है और उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स मिले हैं जिसमें से एक है यूजिनॉल। यूजिनॉल नेचुरली और डायरेक्टली लिवर पे असर डालता है और बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड्स और एलडीएल को भी नेचुरली रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको नेचुरली और आयुर्वेद अनुसार बढ़े हुए लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पान के पत्ते का सही तरीके से यूज़ करके ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। पर इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि किन किन पेशेंट्स को ये पान लेना या पान का जो मैं आगे बताने वाला हूँ रेसिपी उसको अवॉइड करना है। तो अगर जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यानी कि बहुत ज़्यादा कभी कभी कटने पे खून आ जाता है, खून बंद नहीं होता है, या फिर जिनको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक अल्सर की जिनको प्रॉब्लम है, और जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको ये सब अवॉइड करना है जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो भी आपको ये अवॉइड करना है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इसको ईजिली ले सकते हैं और आप इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। तो आपको लेना है पान के पत्तों का दो चम्मच रस लेना है और उसमें आधी चम्मच शहद आपको मिलाना है, अच्छे से मिला लीजिए। और ये आपको सुबह लेना है खाली पेट। सुबह खाली पेट लेने के बाद ऊपर से आपको पीना है आधा गिलास गर्म पानी। तो ये आप डेली अगर फॉलो कर लेंगे 10 से 15 दिन तक तो आपको सारा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। दोबारा से आप टेस्ट करा लीजिए, आपके लिपिड प्रोफाइल्स भी नॉर्मल आ जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपको इससे कितना फायदा मिला वो भी आप बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।